हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल एसएस क्लासेस पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो आपके क्लास 10th, 11th और 12th के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस टॉपिक से आपके अलग टाइप के कम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आज हम लोग मुख्यतः पढ़ने वाले विटामिन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं विटामिन्स। तो ये विटामिन जो होता है, मुख्यतः विटामिन्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला विटामिन जो होता है, जिसको हम लोग वाटर सोलोबल विटामिन बोलते हैं, और दूसरे विटामिन को हम लोग फैट सोलोबल विटामिन या ऑयल सोलोबल विटामिन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर वाटर सोलोबल, यानी कि जल में घुलने वाला विटामिन, वैसा विटामिन जो कि पानी के अंदर घुल जाता है। और दूसरा विटामिन आपका आएगा फैट सोलोबल या ऑयल सोलोबल भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला आपका टाइप है फैट वाटर सोलोबल विटामिन, और दूसरा आपका टाइप है फैट सोलोबल विटामिन। तो आपका वाटर सोलोबल विटामिन में आपका हो जाएगा विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका वाटर सोलोबल विटामिन के अंदर आ जाएगा। और आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन आएगा B1, B2, B3, B6 और B12। ये इतने विटामिन जो है सो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आएंगे। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो सोर्स होता है, यानी इसको जो प्राप्त किया जाता है, ये ईस्ट से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे बातें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में याद रखें, ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। और अगर हम लोग बात करें फैट सोलोबल विटामिन या ऑयल सोलोबल विटामिन की, तो यहाँ पर जो है सो आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आपका फैट सोलोबल या ऑयल सोलोबल विटामिन के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपके एग्जाम में ऐसे सवाल क्रिएट किया जा सकता है कि यूरिन के माध्यम से या पेशाब के माध्यम से कौन सा विटामिन आउट हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विटामिन वाटर के अंदर घुलेगा, यानी जो जल के अंदर घुल जाएगा, वही हमारा यूरिन के माध्यम से आउट होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यूरिन के माध्यम से आउट विटामिन, यानी शरीर से निकला विटामिन क्या होगा, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये आप अपने दिमाग में जरूर रखें, इससे कई बार ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, और इसको कई बार जो है सो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि यूरिन के माध्यम से जो है सो कौन सा विटामिन बाहर आएगा, तो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से अगर हम लोग छिली हुई सब्जी को धोते हैं, या सब्जी को अगर हम लोग धोते हैं, तो उससे विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है सो बाहर आ जाएगा। और एक और सवाल बन सकता है कि जो हमारे शरीर के अंदर नहीं जमा किया जा सकता है, तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इन सारे विटामिन जो वाटर सोलोबल होते हैं, ये पानी के माध्यम से हमारे शरीर से जो है सो बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो पेशाब का माध्यम हो या पसीने के माध्यम से, ये दोनों विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है सो इस विटामिन को अपने शरीर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस सारे विटामिन को हम अपने शरीर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो ये वाटर सोलोबल विटामिन को छोड़कर ये सारे विटामिन को हम अपने शरीर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी कैन स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, यानी इसको जो है सो मनुष्य के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है, यानी इसको जमा किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, पहला यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम लोग अपने शरीर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर सोलोबल होता है, ये यूरिन के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सारे फैट सोलोबल या ऑयल सोलोबल विटामिन होते, इस वजह से हम इन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को हम लोग अपने शरीर में जो है सो स्टोर कर सकते हैं। अब जो है सो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको अगर बता दें कि विटामिन ए और के को जो है सो हम लोग लीवर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कहाँ स्टोर किया जाता है, लीवर के अंदर इसको हम लोग आसानी से स्टोर कर सकते हैं, यानी ये जो विटामिन ए और विटामिन के हमारे शरीर के लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है। एक और टॉपिक बनता है कि विटामिन कैन बी फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी, यानी कौन सा विटामिन जो है सो हमारे शरीर के अंदर बन सकता है। तो यहाँ पर आप एक टॉपिक लगा सकते हैं, विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी12।
तो इसको अगर आप लोग याद रखना चाहे तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, KD12 यानी विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन B12, ये सारे जो है सो विटामिन को हम लोग अपने शरीर में आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन B12, ये सारे विटामिन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर ले, फिर बोर्ड मिटा के मैं आगे आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले विटामिन सी और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। इस टॉपिक से यानी विटामिन सी से आपके हर एक साल के एग्जाम में जरूर सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यह केवल पादप उत्पादों से ही प्राप्त किया जाता है, से ही प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये होता है कि अगर हमको विटामिन सी चाहिए तो हमको किसी भी प्रकार के पादप उत्पाद, या तो हमको कोई फल खाना होगा या कोई सब्जी खाना होगा, तभी जाके जो है तो हमको विटामिन सी प्राप्त होगा, अन्यथा हमको विटामिन सी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यह केवल जो है सो पादप उत्पाद से ही प्राप्त होता है। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग अगर लिखना चाहें तो यह ऊष्मा संवेदी होता है, ऊष्मा संवेदी होता है। अब यह क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। कहने का अर्थ यह होता है कि अगर इसको गर्म किया जाए या इसको हीट किया जाए तो ये डिनेचर हो जाएगा। डिनेचर कहने का मतलब ये हुआ कि अपने ये मूल अवस्था को या मूल रूप को जो है सो या मूल गुण को ये खो देगा आपका विटामिन सी। तो पहला पॉइंट है यह केवल पादप उत्पाद से प्राप्त होता है, दूसरा होता है यह ऊष्मा संवेदी होता है यानी इसको गर्म किया जाए तो ये डिनेचर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो इसमें हम लोग ले सकते हैं यह घाव भरता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मनुष्य के शरीर में कोई घाव है तो उसको भरने का काम कौन करेगा, आपका विटामिन सी। जिस मनुष्य के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी, उसके शरीर में अगर कोई घाव होता है तो उसके भरने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये तीन मुख्यतः पॉइंट है। अगर इसके अगले पॉइंट में अगर हम लोग बढ़े तो इसका अगला पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण है, यह संयोजी ऊतक के विकास के लिए काफी जरूरी होता है। संयोजी ऊतक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, यह संयोजी ऊतक के विकास के लिए जरूरी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी नहीं है तो आपका कनेक्टिव टिश्यू डेवलप नहीं कर सकता है। तो ये चार मुख्यतः पॉइंट है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर कोई इंसान शराब या अल्कोहल या स्मोक करता है तो उसके शरीर में जो है सो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। इसको आप लोग याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है या कोई व्यक्ति जो है सो स्मोक करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की एकदम नेचुरल है कि उसके शरीर में जो है सो कमी हो जाएगी। और अगर हम लोग इसके सोर्स की बात करें, सोर्स यानी इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह केवल पादप उत्पाद यानी जैसे आपका बहुत सारा फल हो जाएगा, जैसे आप ले सकते हैं नींबू, संतरा, ये सब जो है सो इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं आंवला। तो इसका सबसे रिचेस्ट यानी इसका जो सबसे प्रमुख सोर्स होता है ये होता है आंवला। यानी आंवला में जो है सो विटामिन सी की मात्रा मैक्सिमम होती है। इसी वजह से इस आंवला को हर्बल इंडियन डॉक्टर, ये कहने का अर्थ यह हुआ शाकीय भारतीय चिकित्सक इसको बोला जाता है, हर्बल इंडियन डॉक्टर। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप लोग याद रखते हैं तो हमेशा जो है सो ये आपके हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। अब हम लोग जो है सो विटामिन डी की तरफ बढ़ते हैं और उसके कुछ जो है सो महत्वपूर्ण पद के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले विटामिन डी के बारे में और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में। तो आपको जानकर काफी हैरानी होगा कि इस विटामिन को जो है सो पुअर्स विटामिन या सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। उसका वजह यह है कि ये जो है सो आपके सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, इस वजह से इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो गरीब लोग होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि वो धूप में ही काम किया करते हैं, तो उनके शरीर में ये कभी भी उनके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती है, इसलिए इस विटामिन को पुअर्स विटामिन भी बोलते हैं। तो और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पद क्या है कि ये हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। तो हम सबसे पहले अपना पॉइंट लिख सकते हैं, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन जो होता है वो आपका विटामिन डी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा जल्दी से जो है सो यानी रैपिडली इसका फॉर्मेशन होता रहता है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है या इसको पुअर्स विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सारे
गरीबों के लिए काफी फ्री में है, यानी इसके लिए इसको देने के लिए कोई भी आपको कोई भी चीज आपको पे नहीं करना पड़ता है। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ये जो है सो आपका हार्मोन की तरह फंक्शन करता है, यानी फंक्शन लाइक अ हार्मोन। इसका जो फंक्शन होता है एक हार्मोन की तरह होता है, यानी एक हार्मोन की तरह भी ये काम करता है, और ये जो होता है सो आपके एक विटामिन की तरह भी काम करता है। और विटामिन का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि हमारे शरीर को जो है सो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाने का काम करता है। और एक बात मैं आपको बताते चलूं कि विटामिन डी जो होता है सो कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन यानी कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी का होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है सो मैं हमारा विटामिन से रिलेटेड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर आपको अलग अलग टाइप के एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल SS क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।